जीपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशुतोष कुरेशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज जीपीएन 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के गांव अहरोई में, और आज हमारे साथ मौजूद हैं यहां के लोग, यहां के किसान, यहां के ग्रामीण और यहां के मतदाता। आपको बताता चलूं 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। पार्टियों का गठजोड़ जारी है, गठबंधन का दौर जारी है, लेकिन सरकार किसकी होगी ये तय करेगी देश की जनता जनार्दन। इसी राजनीतिक माहौल को जानने के लिए आज जीपीएन 7 की टीम पहुंची है अहरोई गांव में। जानेंगे यहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। जी, आपका नाम? सनी चौधरी। सनी चौधरी जी, लोकसभा के चुनाव हैं और आपको अपने एक एमपी का चयन करना है, सरकार का चयन करना है। इस बार केंद्र में किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों? मोदी सरकार काम करती है, सारा काम उसने करा 9 साल तक। जी, मोदी सरकार। ये बताएं, 10 सालों से यहाँ पर आपके जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनकी कार्यशैली से कितने संतुष्ट हैं? क्या विकास कार्य हो पाए? विकास कार्य तब होंगे जब दिखाई देंगे। वो दानी से ली थी बसपा का समाजवादी गठबंधन, वो तो गायब ही हम रहो, आपने देखा कभी? आप भी लोकल ही हो, उससे पहले भाजपा के भी तो रहे हैं, तो भाजपा के उन्होंने तो कुछ तो विकास किया था, उन्होंने क्षेत्र में निकल के देखो। जी, इस बार आपका जो सांसद है कैसा चुनेंगे, क्षेत्र का होना चाहिए कि बाहर का होना चाहिए? पहले क्षेत्र का हो और पार्टी का हो, हम तो बसपा बीजेपी को वोट देंगे ना। भाजपा को सपोर्ट करेंगे, लेकिन पहला इनका जो प्राथमिकता है कि उनका प्रत्याशी जो है, उनका जो दावेदार है वो क्षेत्र का होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। जी, आपका नाम? धनवीर सिंह। धनवीर सिंह जी, आपकी राय में आपका सांसद कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए यहाँ के नेता के? कम लोकल होना चाहिए और हमारे पास आके बैठे, बात करें और हमारी समस्याएं सुने, ऐसा हो। अच्छा, कितने वर्षों से आप इस गांव में रह रहे हैं? बचपन से रह रहे हैं जी। बचपन से रह रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, बचपन से आप इस गांव में निवास कर रहे हैं, आपने अपने गांव में किस सांसद को आखिरी बार देखा था? अभी तक किसी को नहीं देखा जी, कोई नहीं आया। बचपन से गांव में रह रहे हैं, बचपन से गांव में रह रहे हैं, लेकिन अब तक किसी एक सांसद का नाम नहीं गिना पाए हैं कि जिसको इन्होंने देखा हो। बराबर, सांसद बनते हैं, वोट लेते हैं, जीत जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, लेकिन क्षेत्र में नहीं दिखाई देते हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो या फिर वर्तमान सांसद क्यों ना हो। जी, केंद्र में सत्ता बननी है, उसके लिए महासंग्राम शुरू हो चुका है। इस बार केंद्र में किसकी सरकार? भाई आएगी तो बीजेपी की, लेकिन बेईमानी से आएगी। ईवीएम में घोटाला करते हैं हर साल, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। घोटाले का मौका तो और भी दलों के पास है, उनके पास भी था। एक मिनट, बात जवाब तो देने दो। हाँ जी, 2014 से पहले सत्ता में कांग्रेस थी जी, क्या तब ईवीएम में कुछ गड़बड़ थी? ना, उस टाइम नहीं थी, आज है। आज है 2014 से 2017 से पहले प्रदेश में सपा की सरकार थी जी, क्या तब भी कोई गड़बड़ी थी? नहीं थी, जब से ये सरकार आई है तभी से घोटाले हो रहे हैं। जब से भाजपा की सरकार आई तब से घोटाला हो रहा है, घोटाला हो रहा है। भाजपा की सरकार आई तो घोटाला हो रहा है। सरकार में वोट डाल के देखो, तहसील में, जिले पे, तहसील में जो है हाउस में डाल के वोट देखो, पर्ची निकलती है नहीं निकलती, जो बटन हम दबाएंगे उसकी पर्ची निकलनी, लिखो अपना मोबाइल नंबर लिखो उसमें। हार गए तो ईवीएम खराब है, जीत गए तो ईवीएम बढ़िया। अब जब काम ना करोगे, घर में बैठ के पूजा पाठ करोगे, घर से निकलोगे तो वोट कौन देगा? सुनो 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 सुनो, काम तो बीजेपी भी नहीं कर रही, क्योंकि सारी जितनी फसलें हैं सबको सांड और गौ माता ही खा गई, हमारे पास तो कुछ बचे नहीं। किसान आदमी है, परेशान है, फसलों को गौ माता खा रही सरकार, कोई गाय ढूंढती फिरेंगे, भैंसे ढूंढती फिरेगा। आज हमारी सरकार थी, भैंसे ढूंढ रही थी, ये लिख के देगा अभी उठवा दूंगा गाय सर, जब कहेंगे नहीं घर से नहीं निकलेंगे, सरकार अपने आप लेकर जाएगी क्या? पशुओं से परेशान है, लिख कर दे। हाँ, लिख के दिया है, तीन तीन चार चार बार दे दिए, भगवान का तीन तीन चार चार बार है, तीन तीन चार चार बार हम लिख के भी दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो कह रहे तीन तीन चार बार लिख के दे चुके हैं, सुनवाई नहीं हो पा रही है। दिखाओ कहाँ भाई, लाओ दिखाओ, लाओ तो लेके थोड़ी पशु नहीं उठाई जा रहा है। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम जयवीर सिंह है। जयवीर सिंह जी, इस बार किसको सांसद चुनने जा रहे हैं अमरोहा का? देखिए बात ऐसी है, हाँ बात ऐसी है, सांसद कोई भी हो लेकिन जो है किसान का काम करना चाहिए सांसद। सर, भाजपा सरकार से कितने संतुष्ट हैं? देखिए हमारे जैसा प्रधानमंत्री ना बना है ना बनेगा, ना बनेगा, समझ गए? बहुत बढ़िया। हाँ, कई सांसदों की बात,
सांसद को ही हो, लेकिन जो है किसान का काम जो है सांसद को करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि सांसद कोई भी हो, क्षेत्र का हो या बाहरी हो, किसी भी दल का हो, लेकिन किसान की और लोगों की बातों को सुनना चाहिए, उनकी समस्याओं का निराकरण उसको करना चाहिए, सांसद को आना चाहिए। अब किसान का क्या करा, 20 रुपए बढ़ाए गन्ने पर, कोई जो बढ़ाया कम से कम भी 50 रुपए तो होने चाहिए। बढ़िया, तो 20 रुपए से संतुष्ट नहीं है, 20 से काम नहीं चल रहा ना, ना 20 से क्या काम चल रहा है, मजबूर चाहिए। अच्छा, इस बार अमरोहा का सांसद किसको चुनने वाले हैं? अब किसे पर क्या पता है जो काम आएगा, अभी हम आप किसको वोट करेंगे? इतने सारे लोग नेता दावेदारी कर रहे हैं लोकसभा का एमपी बनने के लिए, अब जो आएगा ये बताए, एमपी क्षेत्र का व्यक्ति होना चाहिए कि बाहर का? यहाँ का होना चाहिए, जो हमारी सुनने बात, जो हमारी सुने वो होना चाहिए, किसान की सुनेगा, यहाँ का एमपी उसको होना चाहिए। आपका नाम आ गया सर, नवनीत सिंह जी, बात करो, आपका एमपी कैसा होना चाहिए, अमरोहा लोकसभा का सांसद आप कैसा देखते हैं? हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, क्षेत्र की समस्याएं जानता हो और कुछ लोकल का हो, क्योंकि हमें हर बार 15 साल हो गए बाहर का नेता लाकर थोप देते हैं, कभी उसके, ये हमारे ताऊ हैं 70-80 साल के हो गए, इन्होंने आज तक गांव में सांसद ही नहीं देखा, तो हमारी पीढ़ी क्या देखेगी? तो हम मांग करते हैं, कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या गठबंधन हो, हमारा जो नेता हो हमारे क्षेत्र का नेता हो, जो हमारी समस्या जानता हो, अब समस्या समझता हो और हम अपनी बात कहीं जाकर उससे बता सकते। ये बताएं, अभी सपा गठबंधन की बात करूं या भाजपा की बात करूं, अनेकों लोग दावेदारी कर रहे हैं, 15 से 20 लोग भाजपा गठबंधन से दावेदारी कर रहे हैं और 15 से 20 लोग सपा गठबंधन से दावेदारी कर रहे हैं अमरोहा लोकसभा का एमपी बनने के लिए। आपकी राय में, आपके ओपिनियन में, आपके मत में अमरोहा का एमपी बनने की योग्यता कौन व्यक्ति रखता है? देखो, ये तो पार्टी तय करेगी किसे टिकट देगी। मैं आपकी आपका सिर्फ अनुमान जानना चाह रहा हूँ, आपका मत जानना चाह रहा हूँ। आपकी राय में जितने लोग दावेदारी कर रहे हैं, वो चाहे भाजपा से हो या गठबंधन से हो, कौन अच्छा नेता आपको लगता है? अपनी आपकी पसंद का नेता कौन है जो एमपी बनना है? आप चाहते हैं कि ये व्यक्ति एमपी बनना चाहिए? पार्टी तो किसी को भी देगी, लेकिन हमारी नजर में अभी यहाँ के 3 नेता हैं, जो कमर सिंह तंवर है पहले, हम उन पसंद करना नहीं चाहते। दूसरे हमारे कमल सिंह मलिक है जो प्रयास में है, और नंबर एक हमारे सोहरन सिंह जो हमारे क्षेत्र के नेता है और हमारे पास के हैं, वो कई बार हमारे क्षेत्र में आ भी चुके हैं। 3 नेताओं के नाम गिनवाए, कंवर सिंह तंवर, कमल सिंह मलिक, डॉक्टर सोरन सिंह जी, ये तीनों पसंद है कि ना पसंद है? इन कंवर सिंह तंवर आते नहीं, हमें तो केवल सोरन सिंह जो हमारे अभी प्रचार कर रहे हैं उससे हम आइडिया बता रहे हैं कि सोरन सिंह को हमारा नेता यहाँ होना चाहिए। आप मतलब आपके पसंद के जो नेता है वो डॉक्टर सोरन सिंह है, जो एमपी जो एमपी जो एमपी चेहरा देखना चाहिए। समाजवादी पार्टी की बात करें, वहां से किसको प्राथमिकता देंगे आप? ये सरजीत सिंह है, चंद्रपाल सिंह के लड़के, वो बहुत प्रयास कर रहे हैं टिकट के लिए, समाजवादी से उन्हें टिकट मिलना चाहिए। दोनों ही नेताओं के जो पसंदीदा नेता है, क्षेत्र के नेता बताए हैं, भाजपा से भी और गठबंधन से भी, आगे बात करेंगे। जी आपका नाम? हाँ जी, नरेंद्र सिंह है। नरेंद्र सिंह जी, हाँ जी, भाजपा के 9 साल के कार्यकाल किस तरह से देखते हैं? हमने देखा कि कोई जाए तो गांव की दिक्कत है यहाँ और सड़कों की जो है, और सांसद हमने आज तक देखा ही नहीं। हाँ, भाजपा से तो हमें डॉक्टर सोरेन सिंह कहिए, और समाजवादी से अगर है तो सरजीत सिंह कहिए। देखिए, किसान बेल्ट इसको कहा जाता है, और किसानों के गढ़ में क्षेत्र में हम लोग आए हुए हैं। सीधा सा सिंपल सा इन लोगों का कहना है कि हमारा सांसद, हमारा नेता, हमारा जनप्रतिनिधि क्षेत्रीय होना चाहिए, क्योंकि बाहरी दावेदारों को, भारतीय भारी भारी सांसदों को, बाहरी जनप्रतिनिधियों को 10-15 सालों से अमरोहा की आवाम देख रही है, वह जीत जाते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अनेकों ग्रामीण, बुजुर्ग ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने अपना सांसद अब तक अपने गाँव में नहीं देखा है, इसलिए इस बार पार्टियों को, राजनीतिक दलों को प्रत्याशी चयन में बेहद सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ज्वलंत मुद्दा अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में है, क्षेत्रीय और बाहरी का। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए जेपीएन 7 न्यूज, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मैं हूं आशिकिन कुरैशी, फिर मिलूंगा आपके साथ, देखते रहिए जेपीएन 7 न्यूज, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही।